काशीपुर की गड्ढा कॉलोनी में शनिवार को राजमिस्त्री का शव बंद कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला, जिससे घर में कोहराम मच गया। वहीं आज दोपहर परिजन शव को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। इस बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के शव को दफनाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ परिजनों की नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस के समझाने पर परिजन मान गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक गड्ढा कॉलोनी निवासी 34 वर्षीय इस्लाम उर्फ पप्पू राजमिस्त्री का कार्य करता है। शुक्रवार को उसकी पत्नी अपनी बच्ची के साथ अपने मायके काशीपुर स्थित अल्लीखा में एक शादी समारोह में शिरकत करने गई थी। इस दौरान घर पर इस्लाम अकेला था। वही शनिवार सुबह उसकी पत्नी ने इस्लाम को फोन किया, लेकिन बार बार फोन करने के बाद भी जब उसका फोन नहीं उठा तो पड़ोस में रह रहे इस्लाम के पिता को फोन किया, जिन्होंने घर जाकर देखा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और आवाज देने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिस पर उन्होंने अपने बेटे को मौके पर बुलाया और दरवाजा तोड़वाकर देखा तो इस्लाम का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। इसकी जानकारी होने पर मृतक की पत्नी और परिवार के अन्य लोग भी घर आ गए, जिसके बाद दोपहर को परिजन शव को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। तभी फांसी की सूचना पर प्रतापपुर चौकी इंचार्ज कपिल कंबोज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को बिना पोस्टमार्टम के दफनाने पर रोक लगा दी, लेकिन परिजन और अन्य लोग बिना पोस्टमार्टम के शव को दफनाने पर अड़ गए। इस बीच कोतवाली से एसएसआई प्रदीप मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को किसी तरह समझाया, जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। तब कहीं जाकर पुलिस ने राहत की सांस लेते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, जहां पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई की। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि शव के गले पर फंदे के निशान मिले हैं। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। शाम के टाइम पे करीब 3-4 बजे हमारे पास एक सुबह से सूचना आई कि गड्ढा कॉलोनी में किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया है। तो एक सुबह की सूचना पे हमारे वहाँ पर सिविल इंस्पेक्टर गए और उन्होंने जब बॉडी को चेक किया तो बॉडी तब तक उतारी जा चुकी थी और उसके गले पे निशान थे। और उसके परिजन चूँकि इसमें पंचनामा और पीएम नहीं करवाना चाहते, लेकिन चूँकि मौके पर पुलिस चली गई थी और संदेहास्पद मृत्यु है, तो पुलिस ने उसकी बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा करवाने के लिए उसको मोर्चरी पहुँचा दिया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।